नमस्कार दोस्तों, रियल वेब में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी खुद की फोटो के व्हाट्सएप स्टिकर कैसे बना सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपनी खुद की फोटो के व्हाट्सएप स्टिकर कैसे बना सकते हो। गाइज, आपने अपने व्हाट्सएप से बहुत सारे लोगों को स्टिकर्स तो सेंड किए होंगे, लेकिन गाइज कभी भी आपने अपनी खुद की फोटो के स्टिकर्स किसी को भी सेंड नहीं किए होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप अपनी खुद की फोटो के स्टिकर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। गाइस यहां पर देख सकते हो, मैंने कुछ यहां पर स्टिकर्स क्रिएट करके रखे हैं। देख सकते हो गाइस, इस तरह से आप भी अपनी खुद की फोटो के स्टिकर बना सकते हो और अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपनी खुद की फोटो के स्टिकर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो गाइस आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। सो गाइस मैंने इस एप्लीकेशन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां जाके आप इस एप्लीकेशन को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। और गाइस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या होगा, देख सकते हो यहां पर आपको कई सारे स्टिकर्स ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो यहां पर कई सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे, तो इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो ऐड करना चाहते हो आप अपने व्हाट्सएप में तो ऐड कर सकते हो। यहां पर देख सकते हो ऐड का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके व्हाट्सएप में ऐड हो जाएंगे। तो गाइस हम यहां पर अपनी खुद की फोटो का स्टिकर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए गाइस आपको करना क्या होगा, देख सकते हो नीचे एक प्लस वाला आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और गाइस क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहां पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइस यहां से आपको एक फोटो सेलेक्ट करनी है जिस फोटो का आप स्टिकर बनाना चाहते हो। तो गाइस मैं यहां से एक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो जैसा कि गाइस यहां पर देख सकते हो, मैं इस फोटो को यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद गाइस देख सकते हो नीचे यहां पर ऑटो का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे इस ऑटो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहां पर जो आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। देख सकते हो यहां पर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और यहां पर स्टिकर बन चुका है। तो उसके बाद यहां पर देख सकते हो नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको ऊपर एक सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पैक क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर न्यू पैक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और गाइस इस पैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको इस पैक का नाम देना होगा, यहाँ पर नाम लिखना होगा इसका। तो गाइस मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर पैक का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो क्रिएटर का भी नाम लिखना होगा, तो यहाँ पर आप जो भी चाहे लिखना चाहते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद गाइस ऊपर देख सकते हो क्रिएट का एक ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहां पर ये पैक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहां पर एक स्टिकर यहां पर ऐड हो चुका है। और गाइस यहां पर देख सकते हो नीचे यहां पर आपको बता रहा है कि आपको यहां पर मिनिमम 3 स्टिकर ऐड करना होगा, तभी यहां पर जो आप अपने व्हाट्सएप में इसको ऐड कर पाओगे। तो गाइस फटाफट मैं यहां पर थोड़ा वीडियो को स्किप करके यहां पर तीनों स्टिकर्स को यहां पर ऐड कर लेता हूं, 3 स्टिकर यहां पर मैं क्रिएट कर लेता हूं। क्रिएट करने के बाद यहां पर कैसे व्हाट्सएप में ऐड करना है मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस फटाफट मैं यहां पर 3 स्टिकर क्रिएट कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर तीनों स्टिकर क्रिएट कर लिए। उसके बाद गाइज देख सकते हो यहाँ पर नीचे ऐड टू व्हाट्सअप का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइज क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू व्हाट्सअप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको ऐड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइज इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे इस ऐड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सारे स्टिकर्स आपके व्हाट्सअप में ऐड हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो स्टिकर ऐड हो चुके हैं। तो गाइज अब यहाँ से बैक आके अपने व्हाट्सअप को ओपन करके आप को बता देता हूं। तो गाइस व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहां पर देख सकते हो नीचे यहां पर देख सकते हो स्टिकर्स का एक ऑप्शन आ चुका है। देख सकते हो स्टिकर का एक ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हो यहां पर तीनों फोटो जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो तीनों यहां पर आ चुके हैं। देख सकते हो स्टिकर क्रिएट हो चुके हैं। तो गाइस इस तरह से आप अपनी खुद की फोटो के स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए।